कि दिल्ली में 1 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है। इस निमित्त यहां भी कुछ हमारे बंधु समर्पण करेंगे। उससे पहले मैं निवेदन करता हूं कि हमें आशीर्वचन के रूप में आलोक जी मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत। कहा गया कि मैं आशीर्वचन करूं, आशीर्वचन महाराज जी करेंगे। संतों की शक्ति है कि वो आशीर्वाद दे, उनका आशीर्वाद फलता भी है लगता भी है। आज सवेरे से मुझे बहुत आनंद हो रहा है। चक्का जाम की खबर थी, बुलंदशहर से उनको आना था। मैंने सुरजीत जी को कहा कि क्या होगा। उन्होंने महाराज जी को कहा, महाराज जी ने कहा कुछ नहीं होगा, मैं आ जाऊंगा। फिर आते आते मालूम पड़ा कि परी चौक पे कुछ दिक्कत हुई है, तो लगा कि कार्यक्रम में देरी होगी, पर महाराज जी आ गए। जहां भोजन रखा था वहां विराज गए और फिर कहने लगे कि कार्यक्रम में देरी हो रही हो तो भोजन बाद में कर लेंगे, किसी को प्रतीक्षा नहीं कराऊंगा। आंख में कष्ट है, रात भर जागते रहे, उस कष्ट के बावजूद आए हैं। तो पहला आनंद तो ये कि हम संत दर्शन कर रहे हैं। दूसरा आनंद ये कि मंदिर में आके हमने संत शिरोमणि रविदास जी को साष्टांग प्रणाम किया। तीसरा आनंद ये कि हमने उनकी आरती की है और अभी थोड़ा कीर्तन और प्रवचन भी उनका होगा। आजकल मैं रामचरितमानस भी पढ़ता हूं, विनय पत्रिका भी पढ़ता हूं। मैंने एक प्रसंग पढ़ा, वो आपको बताऊंगा। तुलसीदास जी ने लिखा कि भगवान राम का एक निराकार निर्गुण अचिंत्य रूप है, कोई आकार शकल नहीं, गुणों से परे, चिंतन से परे। और उस रूप में जब देवता उनका चिंतन करते हैं तो भी वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, पर जो देवता भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते, ऐसे भगवान राम के पास में जब केवट गए और प्रणाम किया तो राम खड़े हो गए। राम ने अपने दोनों बड़े भाजू उससे उनको आलिंगन में ले लिया, दोनों की आंखों में आंसू आ गए, दोनों के शरीर प्रेम से शिथिल हो गए। ऐसे राम है। जब केवट को गले लगाया तो केवट ने कहा मेरी तो बहुत छोटी जाति है। राम जी ने जवाब दिया, तुलसी के मानस में लिखा, राम जी ने जवाब दिया, मैं जाति में छोटी बड़ी नहीं मानता। ऐसे राम जी। वो शबरी के पास जाते हैं, वो वानरों को मित्र बनाते हैं, वो भालुओं को मित्र बनाते हैं, वो गीधराज का अंतिम संस्कार अपने पिता की तरह करते हैं, और इन सब के यहां नंगे पैर जाते हैं, तापस भेष में जाते हैं। एक राजेंद्र मोहन भटनागर करके बड़े लेखक हैं, उन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी का जीवन लिखा है, उपन्यास के फॉर्म में लिखा है, और उसमें उनकी भगवान राम से बातचीत हुई है। भगवान राम को गुरुजी ने कहा, आपने मुझे छोटी जाति का क्यों बनाया। राम हंस पड़े, कहने लगे तेरी जाति छोटी कैसे हो गई भाई। तो रविदास जी ने कहा कि चमड़े का काम करता हूं इसलिए लोग कहते हैं कि जाति छोटी है। राम जी का जवाब सुनो। राम जी ने कहा, अगर चमड़े का काम करने से जाति छोटी हो जाती है तो मैं दिन रात
धरती पर चमड़े के ये सब पुतले बना के बेचता रहा हूं। तेरी जाति छोटी है कि मेरी जाति छोटी है? जय श्री राम। तो फिर एक सवाल पूछा, तो बामन मुझे मंदिर में क्यों नहीं आने देता? और जवाब सुन लो, राम जी ने जवाब दिया कि जिस मंदिर में बामन तुझको आने से रोकेगा या किसी भी मानुष को आने से रोकेगा, तो ये बात गांठ बांध ले कि उस मंदिर में मैं नहीं रहता हूं, वो उस बामन की दुकान है। ऐसे गुरुदेव को हम स्मरण कर रहे, उनकी आरती हमने की, ऐसे राम जी का मंदिर अयोध्या में बना रहे, बड़ा ऊंचा मंदिर, पत्थर का मंदिर, 1000 साल तक रहेगा। राम जी के करनी को, राम जी की कथनी को हम सबको याद कराता रहेगा। हम सबके लिए वो आस्था का एक बड़ा केंद्र होगा, वहां पर एक म्यूजियम होगा, वहां एक सत्संग भवन होगा। और आज तो आप यहां सुन रहे हैं, हो सकता है 4-5 साल बाद में आपको बाली जी कहें, कहां है बाली जी, बाली जी कहें कि हितकारी जी महाराज का राम जन्मभूमि के उस सत्संग भवन में 3 दिन की कथा प्रवचन है, दिल्ली से बसें जा रही हैं। जय श्री राम। बुलाकी जी आए क्या? बुलाकी जी नहीं आया जी, क्योंकि वो ज्यादा यात्राएं ले जाते हैं। तो सारी वो ऐसा सत्संग भवन होगा जहां साल में 12 महीने 365 दिन प्रवचन हुआ करेंगे, और एक ओपन एयर थिएटर बनाएंगे जहां राम कथा देखिएगा, संत कथा देखिएगा, अलग अलग संतों की, आप कभी कबीर की कथा देखेंगे, कभी संत शिरोमणि रविदास जी के जीवन को वहां देखेंगे, कभी भगवान वाल्मीकि का दर्शन करेंगे, जहां सीता रसोई है, जहां सीता जी रसोई करती थी, वहां सबके लिए प्रसाद बनेगा और एक बड़ा लंगर भवन बनेगा जिसमें सब इकट्ठा बैठकर पाएंगे। तो फिर अयोध्या आप 1-2 दिन के लिए तो नहीं आओगे ना, 1 दिन आओगे, सरयू में स्नान करोगे, रामलला के दर्शन करोगे और हनुमानगढ़ी जाओगे, दूसरे दिन आप म्यूजियम देखोगे सारा दिन, 2 दिन कथा में लगाओगे, 1-2 दिन लीलाओं का दर्शन करोगे, इतने दिन हम राम जी के साथ रहेंगे, बाहर भी राम जी, चारों तरफ भी राम जी और हमारे हृदय में भी राम जी। तो फिर कहा कि ये कौन बनाएगा? तो हमें लोगों ने कहा मोदी जी की सरकार है, योगी जी मुख्यमंत्री हैं। हमने कहा ना भाई, भक्त बनाएंगे, सरकार से 1 पैसा नहीं लेंगे, ठीक है ना, मंजूर है? मंजूर है। जय श्री राम। सरकार से पैसा नहीं लेंगे, सबके दरवाजे पर जाएंगे, यहां भी एक लोटा या एक पेटी रखेंगे कि दान कर दो, ऐसे नहीं करेंगे, दरवाजे पर जाएंगे। 10 रुपए का भी कूपन है, कोई 10 रुपए देगा तो उसको माथे से लगा कर लेंगे, वैसे ही जैसे सूरत के व्यापारी ने 11 करोड़ दिए माथे से लगा के लिए, 10 रुपए भी माथे से लगा के लेंगे। और घर घर कौन जाएगा? मैंने महाराज जी से पूछा, आप मोची बाग में आ रहे हैं, हम शुरू करेंगे, घर घर जाने का है? तो महाराज जी ने कहा कि मैं भी चलूंगा। तो संत द्वार पर आएंगे, आपके द्वार पर आएंगे, आपको अवसर होगा कि राम जी के लिए दीजिए और उसके पहले संत जी की चरण वंदना करिए। मैं तो उनके रंगपुरी के आश्रम में भी गया, वो जितना अच्छा गाते हैं, जितना अच्छा, वो ऐसा लगता है कि अंदर हृदय से निकल रहा है। तो यहाँ कुछ लोग सुरजीत जी कह रहे हैं समर्पण करेंगे, वो समर्पण कर लें, हम महाराज जी का कीर्तन सुन लें, और फिर जब हम गांव में चलेंगे तो मेरी प्रार्थना ये है कि उनसे आगे कोई नहीं निकलेगा, ये आदर नहीं होता,
सबसे आगे वो रहेंगे, हम लोग उनके पीछे चलेंगे, ठीक है ना। और जो भी पैसा लेंगे उसकी रसीद जरूर लेंगे। एक बात और बतानी है मैंने आपको, मैंने अध्यक्ष जी से पूछा है, संत हितकारी जी महाराज तुगलकाबाद मंदिर जो है उसके भी अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि कानूनी आवश्यकताएं पूरी हो गई हैं, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाएगा। 27 फरवरी बताई गई थी कि 27 फरवरी को कब्जा लेके बना लो, पर 27 फरवरी को सब संतों को अपने स्थान पे रहना है, क्योंकि वो गुरुजी का जन्मदिन है, जयंती है। पिछली बार मैं अभी वाराणसी में गया था जयंती के दिन, कम से कम भी 1,00,000 लोग आते हैं, तो संतों ने कहा कि 27 को मत करो। मार्च के महीने में जो दिन तय कर देंगे संत निरंजन दास जी महाराज, जिस दिन आने का दिन तय कर देंगे उस दिन, यहाँ पे तो 3 ट्रस्टी तो यहीं पर ही है, 4 ट्रस्टी हैं, है ना, सुरजीत जी ट्रस्टी हैं, बाली जी ट्रस्टी हैं और ऋषिपाल जी प्रधान ट्रस्टी हैं, तो फिर सब लोग हम मिलके और उस जगह का पोजीशन ले लेंगे, एक छोटा मंदिर बनाएंगे कि जब तक बड़ा, जैसे अभी राम जी भी एक छोटे मंदिर में है ना अयोध्या में, वैसे एक छोटा मंदिर बना के वहाँ पे भगवान को विराज के और उनकी आरती शुरू कर देंगे। जब बड़ा मंदिर पूरा बन जाएगा तो वहाँ विराज करके और हम सब उसका आनंद मनाएंगे। तो ये भी एक बात मुझे आज कहनी चाहिए थी, और मार्च के महीने में इसको हम करेंगे, वही हमारा बसंत होगा इस बार का। आप सब पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जिनका हम प्रवचन सुनने आए हैं, महाराज जी संत वीर सिंह